जी, तो हम लोगों ने कल से अभ्यास दो शुरू किया था। इनफैक्ट पिछले दिन से ही अभ्यास दो शुरू किया था, और उसमें हम लोगों ने शुरू में ये बात किया कि अभ्यास दो में बेसिकली चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। शरीर जड़ है, मैं चैतन्य हूँ, तो मैं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने मानव के बारे में देखा कि मानव, मैं और शरीर, इन दो वास्तविकताओं का सहअस्तित्व है। उसको लेकर कल कई सारे प्रश्न भी आए, है ना, उन सारे प्रश्नों का स्वागत है। कोई और भी अगर बिंदु हो जो स्पष्ट ना हो मैं और शरीर को लेकर, तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, आज फिर से बात कर सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। उसी क्रम में हमने ये भी देखा था स्टेप वन में, अभ्यास दो के स्टेप वन में, कि मैं हूँ और शरीर है, इन दो वास्तविकताओं को ऑब्जर्व करना है। कभी हम सामान्य भाषा में बोलते तो रहते हैं, है ना, कि मैं हूँ, ये भी बोलते रहते हैं शरीर है, बट थोड़ा सा इसको और बारीकी से देखें कि मुझे अपने होने का पता कैसे लगता है, मुझे शरीर के होने का पता कैसे लगता है। तो आप पाएंगे कि मैं अपने आप को कह पाता हूँ कि मैं हूँ जब मैं अपने आप में क्रियाओं को देखता हूँ। विचार चल रहा है ना, कोई भाव है, सुखी हूँ, दुखी हूँ, आराम में हूँ, परेशान हूँ, ये सब जब मैं अपने आप में ऑब्जर्व करता हूँ तो उससे मुझे फिर अपने होने का पता लगता है। तो अपनी क्रियाओं को देखने के आधार पर मैं कह पाता हूँ कि मैं हूँ। वैसे ही शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं उसको मैं पढ़ता हूँ, तो मैं द्वारा शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखने के आधार पर मैं कह पाता हूँ कि शरीर है। तो जैसे अभी बैठे हैं, सर घुमाया, देखा तो आंखों में चित्र बना शरीर के शेष भाग का, तो कहते हैं हाँ ये तो है भाई, ये शरीर है मेरा। आंख बंद कर लें, छूते हैं तो इस शरीर के होने का पता लगता है कि नहीं। तो ये भी देखें तो देखना, छूना, ये सब भी सूचना है जो मुझ तक पहुंच रही है, शरीर के माध्यम से ही पहुंच रही है, शरीर के बारे में पहुंच रही है। तो शरीर है ये मैं कह पाता हूँ, बट इसको अपने आप में और देखना है कि ये जो मुझ में क्रियाएं दिख रही हैं ये शरीर में ही हो रही है क्या, और जो शरीर में क्रियाएं हो रही हैं और जो मुझ में क्रियाएं हो रही हैं वो एक ही समान है क्या। तो शरीर में भी कई प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, क्या ऐसे ही एक विशेष प्रकार की क्रिया वो है जिसको मैं चैतन्यता कहता हूँ। ये सारे पॉइंट्स हमारे अंदर शंका के रूप में बने रहते हैं, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ हम अपने देखने में गलती कर रहे हैं, ये पूरी सभ्यतागत हो गई है। प्रचलित विज्ञान में तो हर चीज को हम शरीर की क्रिया के रूप में एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, सुख को, दुख को, भाव को, विचार को, कि नहीं, निर्णयों को। तो अभी तो मोर और लेस, है ना, ऐसा ही हम कह पाते हैं। तो हो सकता है ये मान्यता हमारे अंदर भी बन गई हो। तो अभ्यास दो के स्टेप वन में मैं और शरीर, इन दो वास्तविकताओं को ठीक ठीक पहचानने की जरूरत है। और अगर हम इस बात को देख पाए कि दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं तो बहुत ही अच्छा, कम से कम हमको कल्पनाशीलता में ये क्लियर हो जाए। ये बात भले ही हमारे सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन ना आए, परंतु हम अपने चित्रण में तो इसको हम ठीक से ले आए कि मैं और शरीर, इन दो वास्तविकताओं के अलग अलग होने का क्या अर्थ है, इसको ले आए। आगे इसको देखेंगे भी। तो ये हम लोगों ने कल असाइनमेंट भी लिया था, इसको करते हुए यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो, कोई शेयरिंग हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो तो आप रख सकते हैं। तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है जो भी अपना चल रहा है, लेकिन ये एक जो बात 2-3 दिन से मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रही है, कल भी आपने बताया, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करिए कि हेल्दी माइंड, मैं उसको हेल्दी सेल्फ इन हेल्दी बॉडी ये मान के चल रहा हूँ, क्या ये मेरा मानना सही है, इस पे थोड़ा डिस्कशन बस। जी भैया, देखिए, इन शब्द का जो प्रयोग करते हैं ना वो ठीक नहीं है। सेल्फ इन दी बॉडी कहते हैं तो गलत हो जाता है, सेल्फ विद दी बॉडी। अच्छा, जी, तो हेल्दी सेल्फ हेल्दी बॉडी, है ना, हेल्दी विथ सेल्फ। लगाओ तो हाँ, ठीक। लेकिन हेल्दी सेल्फ, भैया, हाँ, बोलिए ना, मैं सुनता हूँ प्लीज। थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा, आप बीच में मत बोलिए होता क्या है, हाँ आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। हाँ जी, जी भैया, हेल्दी सेल्फ हेल्दी बॉडी, और हेल्दी सेल्फ जब कह रहे हैं तो हैप्पी सेल्फ, उसका मतलब इतना ही है कि हाँ नहीं। तो हेल्दी सेल्फ विद द हेल्दी बॉडी कह सकते हैं। उसमें भी देखें तो जो प्राइमरी रोल है वो सेल्फ का है, तो बॉडी के हेल्थ को मेंटेन करने का भी जो जिम्मेदारी है वो सेल्फ का है, और अपने हेल्थ को यानी हैप्पीनेस को इंश्योर करने की जिम्मेदारी भी सेल्फ का है।
जी ठीक है। जी जी तो हम ये बोल सकते ना कि जब तक बॉडी हैप्पी नहीं रहेगी, मतलब बॉडी साउंड नहीं रहेगी, सेल्फ भी हैप्पी नहीं रहेगा। नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने स्पष्ट किया कि हाँ नहीं, मेरा वही मत, वो निकल जाएगा कुछ दिन के बाद कंफ्यूजन, लेकिन वो जो अभी बहुत सारे बचपन से मान्यता बने हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, तो उसको मैं सेल्फ से रिलेट कर रहा हूँ, माइंड और वो अगर मैंने छोड़ दिया आपके कहने के हिसाब से। नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सेल्फ ओनली। तो मेरा यही कहना है या मानना है अभी कि बॉडी अच्छी है तो मेरा सेल्फ अच्छा है। आप बताइए आपको क्या लगता है, ऐसा है क्या? हाँ मुझे तो, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे बॉडी में कुछ पेन है, तो मेरा सेल्फ भी थोड़ा दुखी होने लगता है। और इसका अगर हम कॉन्ट्रेरी देखें, अगर बॉडी हेल्दी है, कहीं पेन नहीं है, खान पान सब सही चल रहा है, पचा ले रहा है खाना, है ना, सारा तंत्र ठीक से काम कर रहा है, तो क्या निश्चित है कि आप सुखी रहेंगे? भैया मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है ना बॉडी जो है, ये सेल्फ का इंस्ट्रूमेंट है, तो हर कोई सेल्फ यही चाहेगा कि मेरा इंस्ट्रूमेंट अच्छा रहे। मेरा इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छा नहीं रहेगा तो मैं आगे कुछ भी, मेरे जो परफॉर्मेंस है या काम, वो कैसे करूंगा? तो ये ठीक है, अगर हाँ? सुन लीजिए, इसको सुन लीजिए, इंस्ट्रूमेंट अच्छा रहे है जी ना, ये तो भैया हम सब चाहेंगे, जी बट जी यदि इंस्ट्रूमेंट अच्छा है उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा है क्या? व्हाट डू यू थिंक? सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट प्ले होना चाहिए, वो कुछ परफॉर्म करना चाहिए, तब मैं सुख होऊंगा। जी भैया परफॉर्म भी कर रहा है ना, हाँ अपने फिजियो हाँ केमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म भी कर रहा है, हाँ हाँ तो क्या मैं सुखी रहूंगा? निश्चित है निरंतरता होगी? नहीं आप बताइए भाई, अभी मेरा तो ये मतलब अब मानना है, वो गलत भी हो सकता है, इस देखो आधार बात पे चल रहे। जी, ये जो जी जी डे भैया वन से हम लोग कहते हैं ना कि हाँ संबंध सुविधा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जी शरीर हेल्दी है ना, शरीर के सारे तंत्र ठीक से काम कर रहे हैं, जी बट हम भैया दूसरे के व्यवहार से दुखी हो जाते हैं। ये बार, लेकिन अभी अपन ने अपने आप को अच्छा बना लिया ना, स्ट्रांग बना लिया हमने, हमारे सेल्फ को समझा ये दूसरी दिया। बात हो गई, अब ये दूसरी बात हो गई, हाँ ये दूसरी बात हो गई, राइट तो शरीर तो हेल्दी है बट इससे आप राइट हेल्दी हो गए यानी आप सुखी हो गए ऐसा नहीं है, क्योंकि और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उसमें, तो अगर दूसरे का व्यवहार ठीक नहीं मिल रहा आपको तो आप दुखी हो गए, स्वयं के विचारों में उलझन है, कोई स्वयं में भय बन गया है ना, मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ठीक, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे सम्मान का क्या होगा, इन विचारों से ही दुखी हो गए, तो शरीर भले ही हेल्दी है बट आप तो दुखी हो गए, जी इसलिए शरीर आपके सुख को तय नहीं करता। अगर आप ध्यान से देखें तो जो हम लोग अभ्यास एक कर रहे थे उसमें स्टेप वन पे, स्टेप फोर पे जो हम लोगों ने बात किया, मैं अपने भाव का निर्णय स्वयं लेता हूँ, जी शरीर की भैया अवस्था चाहे भाई जैसी, शरीर की अवस्था चाहे जैसी भी हो, मेरा निर्णय अगर मान्यताओं के आधार पर है तो मेरे सुख की निश्चितता नहीं है। अच्छा, निर्णय मान्यताओं के आधार पर अगर है। जी भैया ठीक है ये, जी 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 हाँ, तो अगर निर्णय मान्यताओं के आधार पर तो सुख की निश्चितता नहीं है, शरीर हेल्दी है कोई बात नहीं, शरीर हेल्दी है। हाँ तो शरीर से मेरा सुख तय नहीं होता, ये निश्चित है। हम शरीर को स्वस्थ रखें ये तो ठीक है, बस शरीर स्वस्थ हो गया इससे मैं सुखी हो गया ऐसा नहीं, इनफैक्ट इतना तक है कि यदि मैं सुखी हूँ और शरीर अस्वस्थ हो गया तो मैं हाँ संयम हाँ के भाव से शरीर को पुनः स्वस्थ कर लूंगा। अच्छा, जी 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 मतलब मैं स्वस्थ हूँ, सेल्फ इज हैप्पी, और बॉडी में कुछ डिफॉल्ट हो गए या बॉडी काम नहीं गया कुछ कर रही, तो मैं संयम के भाव से उसे ठीक कर लूंगा, लेकिन बॉडी ठीक है इसका मतलब मेरा सेल्फ सही है या हैप्पी है, ये मानना गलत है। जी भैया जी 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 धन्यवाद, बहुत बहुत सही, मजा बहुत, थैंक यू ओके जी भैया, आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, थैंक यू। मेरा प्रश्न पता नहीं पीछे चल रहा हूँ मैं, कि ये फिर मैं पूछ रहा हूँ, ये मैं सेल्फ और शरीर को अलग अलग ये मानते तो आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आत्मा होती है, मर जाती, आत्मा नहीं मरती, इसको अलग अलग कैसे माने, कैसे इसको मतलब जाने, कैसे माने नहीं जाने कैसे इसको, ये शरीर अलग है और सेल्फ अलग है। वही, अगर आप पहली लाइन में देखें तो मैं की क्रियाओं को देखने के आधार पर मैं देख पाता हूं कि मैं हूं, वैसे शरीर में होने वाली संवेदनाओं को देखने के आधार पर मैं कह पाता हूँ शरीर है। अब हम ये देखें कि मुझ में जो क्रियाएं हो रही हैं और जो संवेदनाएं हैं वो एक ही है कि अलग अलग है, इसको ऑब्जर्व करें,
इन दोनों में क्या अंतर है, जितना जितना ये अंतर स्पष्ट होगा उतना उतना मैं और शरीर का अंतर स्पष्ट होगा। तो दिखाई देगा कि संवेदनाएं तो भौतिक रासायनिक होती हैं, है ना, ये एक निश्चित प्रकार से हो रही होती है, और मुझ में जो चैतन्यता है वो अलग प्रकार की है, क्रियाएं जो अलग प्रकार की, ये अंतर जितना स्पष्ट होगा उतना ही मैं और शरीर को भिन्न भिन्न देखने की तैयारी हमारी बढ़ती जाएगी। किसी पॉइंट पर हम देख भी लेंगे कि हाँ शरीर के साथ हूँ, शरीर में नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, है ना, शरीर मुझ में नहीं है, मैं और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। जी भैया नहीं, मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, मतलब जैसे ये खुशी गम है या दुख है, ये इसको अब मान ही रहे हैं कि ये सेल्फ का पार्ट है। और तो क्यों मान रहे हैं, देखिए इसको, कौन खुश हो रहा है, आप या शरीर? जैसे अभी जो बात हो रही थी जी के साथ, है ना, जो बात हो रही थी अभी, कि शरीर स्वस्थ है बट किसी ने कुछ बात कह दी जो हमें खट गई, बुरी लग गई, तो मैं दुखी हो गया। अब शरीर पे तो सिर्फ एक आवाज आई, ठीक, उसको अर्थ मैंने दिया, उस अर्थ से मैं दुखी हो गया। वही अगर मैं भाषा नहीं समझता मैं दुखी नहीं होता, शरीर में वही घटना घट रही है, मेरे भाव बदल जा रहे हैं। कोई आपका मित्र है, ठीक है ना, वो रोज निकनेम के रूप में कोई अपशब्द का प्रयोग करता है और आप वो निकनेम सुनते ही लगता है कि कोई अपना आ गया, ठीक, और आप उसे गले मिलते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं, कल किसी बात पे झगड़ा हो गया, अब वही निकनेम प्रयोग करे, अब उसको सुन के भी गुस्सा आ रहा है। तो शरीर में तो वही घटना घट रही है, वही शब्द कानों में पड़ रहे हैं, है ना, वही सूचना मेधव तक जा रही है, मेधव से वही सूचना आप तक आ रही है, शरीर में वही सारी क्रियाएं हो रही है, बट अब अर्थ बदल गया। अब वो जब निकनेम बोलता है तो आपको गुस्सा आता है ना, उससे झगड़ने का इच्छा होता है, तो क्या हो गया यहाँ पे, तो आप में जो हो रहा है वो बदल गया, शरीर में तो वही हो रहा है। तो हम देखें कि शरीर में जो संवेदनाएं हो रही है एक निश्चित प्रकार से हो रही है, मुझ में एक अलग प्रकार की क्रियाएं हो रही है, इसको हमको बारीकी से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। इच्छा, विचार, आशा, ये शब्द है, इनके अर्थ में हमको जाने की जरूरत है कि ये कहाँ हो रहा है, ये हो भी रहा है तो क्या हो रहा है, इच्छा का अर्थ क्या है, विचार का अर्थ क्या है, ये क्या क्रिया है अपने आप में, इसको हम देखें, एक एक शब्द के अर्थ में जाए, और ये कहाँ हो रहा है, शरीर के किसी भाग में हो रहा है। उसका एक तरीका तो ये है जिससे हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि मैं और शरीर का अंतर्गत स्पष्ट ना हो, है ना, और कई बार हमको लगता है कि ये सब कुछ ब्रेन में हो रहा है, तो उसको लेकर हम लोग डिटेल डिस्कशन भी किया था, तो पिछले किसी सेशन का आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें उपलब्ध भी है, उसको मैं पूरी बात नहीं ले जाता हूँ, नहीं तो उसमें 10 मिनट लगाना पड़ेगा, बट आप उसको समझे तो हमको समझ में आता है कि अगर ब्रेन में होता तो एक अलग तरह की बात होती, मुझ में हो रहा है अलग तरह की बात है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आप में। बट यही बात है, है ना, अभी हमारा ऑब्जर्वेशन का अभ्यास नहीं है, तो कई बार हम मानने से चलते हैं, सूचनाओं के विश्लेषण से चलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का हमारा अभ्यास नहीं। अब उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करें कि क्रिया हो रही है ना शरीर में, कहाँ हो रही है, कुछ भी क्रिया हो रही है, अभी शरीर में भी हटा दीजिए, खुजली हो रही है कहाँ हो रही है, आप में हो रही है, शरीर में हो रही है, कोई बात बुरी लग रही है किसको, कहाँ बुरी लग रही है, आप में हो रही है, शरीर में हो रही है, ये बात बुरी कहाँ लग रही है, शरीर किसी अंग में लग रही है क्या, तो नहीं, हम कहते मुझे ये बात बुरी लगी, कहाँ बुरी लगी, किसको बुरी लगी, वो शरीर के किसी भाग की कोई क्रिया है या आपकी क्रिया है, इसको ऑब्जर्व करें। तो ये अच्छी बात है कि हमें अभी ये लग रहा है कि कैसे देखें, ये कम से कम प्रेरणा बन रही है, उत्साह बन रहा है, बट ये जो योग्यता विकसित करनी है देखने की, उस पर ठीक से काम करना होगा, हम इसको देखें, हम उसको प्रायोरिटी में ले आए, ये काम है हमारे लिए, जीवन का एक काम है, महत्वपूर्ण काम है हमारा, ये मैं और शरीर के कंफ्यूजन को कैरी करते हम चाहे जितना भी लंबा जी जाए, बेसिकली हम अपने आप में तो अनिश्चित ही रहते हैं, हम पूरी शरीर यात्रा जी ले 80 साल की, 100 साल की, और हमको अपने और शरीर का अंतर ही स्पष्ट नहीं हुआ, तो फिर हमने जो भी जिया उसमें वो कन्फ्यूजन शामिल रहा, जो सुविधा जुटाई पता ही नहीं चला किसकी आवश्यकता है, जो भी संबंधों का निर्वाह किया पता ही नहीं चला किसके साथ निर्वाह किया, है ना, जो भी जिया पता नहीं चला कौन जिया यही पता नहीं चला कौन जिया, हमने 80 साल जिया, 100 साल जिया, बट कौन जिया क्या पता, तो ये हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन बना रह जाता है। नहीं
ठीक ठीक है भैया, अभी तो मानने पे चल रहा था, अब जानने पे काम करेंगे और बिल्कुल काम से। बिल्कुल। हाँ जी ठीक है जी। और ये जो ऑब्जर्वेशन करना है ना, इसको हम केंद्र में ले आए कि मुझे ऑब्जर्व करना है हाँ जी ठीक जी, है भैया, इसके लिए बढ़िया आपको जी। तैयारी करनी पड़ेगी जी। शरीर हाँ जी भैया, धन्यवाद भैया। और सेल्फ, और मैंने इस शरीर के साथ जो यात्रा की है और जो आधार बनाया है थोड़ा सा बारीकी से देखने का, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो रहा है कि दांत की जो पंक्तियां हैं, दोनों दांत की पंक्तियों को मैंने स्वयं स्वीकृत तरीके से अपने चिकित्सक से, क्योंकि आए दिन परेशानी कुछ ना कुछ होती थी, तो सारे दांतों को मैंने निकलवाया, इसलिए ये सोच करके कि उनका डेंचर दूसरा लगाएंगे और जो आर्टिफिशियल डेंचर होगा उससे गिवन कंडीशन में अपने को प्रसन्न रखेंगे। तो अभी वो जो कंडीशन है, सर्जरी वाला पोर्शन, माइनर सर्जरी जैसा कुछ पोर्शन हुआ, तो मेरे को बीच बीच में अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंज करना पड़ा है, लेकिन मेरा फीलिंग कुल मिलाकर के ये रहा है कि ये तो कुल मिलाकर के 207+32 G32, तो हिंदुस्तान जैसे आजकल G20 समिट के नाम पर सारी दुनिया के साथ अपने को अभी प्रस्तुत वहां ना कर रहा जा, है देखिए अभी अपने को ऑब्जर्व करने की बात करिए, जी। तुम बहुत ज्यादा तो क्यों भैया फैला तो रहे हो भैया मेरे को जी। ये लगा फैला नहीं करके अपने को पास में ही आता हूँ कि मैं G32 के ऊपर काम हो रहा है और उसमें जो पीड़ा है, वेदना है, या उसके आधार पर जो मेरे को अपनी दिनचर्या है उसमें मैंने परिवर्तन किया। तो पहले से अब तक जो मान्यता थी या जो खाना पाना था या जिस स्टाइल से खाते थे उसके पलट करके और अपने को सुखी करते हुए, सुखी रहते हुए, खुश रहते हुए, वो सारा लिक्विड के ऊपर मैं अपने को, चाहे वो जो दांतों की जो प्रक्रिया है कि क्रशिंग, कटिंग एंड च्यूइंग, वो आउटसाइड जैसे डायलिसिस होता है बाहर का, अंदर का फिल्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है तो हम बाहर से करके ले जा रहे हैं, तो वो पोर्शन कर रहे हैं एंड आई एम फेयरली हैप्पी। अच्छा, इस पोर्शन में क्या हुआ कि कैलेमिटी डज नॉट कम एलो, तो उस प्रोसेस में थोड़ा साइट में भी प्रॉब्लम आई, एक साइट से मेरे को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई तो उससे दिखना कम हुआ, हालांकि मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन दोनों आईज का हो चुका है एंड आई एम फेयरली वेल। ओके, तो अब जब दो पोर्शन पे और दो डॉक्टर्स के पास मेरे को सेम डे जाना पड़ रहा है तो ऐसा लगता था पता नहीं कितना समय इसमें जा रहा है, बट माइंड सेट को ऐसा तैयार किया कि नहीं, ये तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी और इसको स्वीकार भी करना है, और नाउ रिकवरिंग, तो आईज का तो रिकवरी हो गया है और दांतों के ऊपर जो आर्टिफिशियल लगना है उसमें जब जो भी वुंड्स हुए हैं वो ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद वो भी समय आएगा। तो भैया बात कुल मिला के ये रख रहा था कि सेल्फ के और बॉडी के ऊपर, अगर बॉडी के ऊपर अगर पीड़ा है, कष्ट है, तो हमारा अपना मस्तिष्क या जो सोच है हम कितना उस तरफ देखना चाहते हैं या कितना उससे विड्रॉ करना चाहते हैं या कितनी गंभीरता के साथ किस चीज को लेना चाहते हैं, तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं ठीक टाइम पे उठ रहा हूँ, ठीक टाइम पे सो रहा हूँ और हर चीज में भारी भागीदारी कर रहा हूँ, शादी ब्याह सुख दुख, और अपने सुबह वाली क्लास में भी मैं आता हूँ और आपने कहा है बारीकी से देखो तो और बारीकी से देखने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं ठीक चल रहा हूँगा, तो ऐसे ही मैं अपने जी को जी बढ़िया विराम भैया, देता हूँ। आपका उत्साह काफी अच्छा है इस उम्र में भी आप काफी उत्साह से लगे हुए जी, बढ़िया भैया, धन्यवाद। ये पंकज भैया जो बात रख रहे थे, तो शायद पंकज भैया हम लोग कुछ दिन साथ रहे हैं तो उन तक मेरी बात पहुंच रही होगी, तो ठीक जी जी है भैया, नमस्ते, कृतज्ञता। नमस्ते नमस्ते भैया मुझे एक दो प्रश्न है भैया। वो हमारा सेल्फ में जो जो बॉडी में सेल्फ है भैया, वो निरंतर रहेगा हमारा उम्र उम्र भर या आते जाते रहेगा, किसी किसी क्षण में जाएगा, किसी क्षण में आएगा, या सोते वक्त कभी कभी न कभी एक एक दो सेकंड क्या 1 मिनट जाते आते रहेगा कि निरंतर रहेगा सर हमारा उम्र भर सेल्फ, सेल्फ। आप सेल्फ का बताइए। तो हर हर इंच इंच में सेल्फ है, वो कभी ना कभी ऐसे जाते आते रहेगा क्या, वो ओनली एट द एंड ओनली इट विल गो एंड, ऐसा मेरा प्रश्न जी था सर। जी ये बताइए, आप में और सेल्फ में क्या अंतर है? अंतर तो है,
क्या है? नहीं, बॉडी और सेल्फ में अंतर है, आप में और सेल्फ में अंतर है? नहीं नहीं है अंतर, नहीं है भैया। तो आप बताइए, आप शरीर के साथ आते जाते रहेंगे या शरीर के साथ बने रहते हैं, क्या दिखता है अपने को? जब मैं अलर्ट रहता हूँ वो सेल्फ में रहता हूँ, सेल्फ मेरे साथ, मैं और सेल्फ सेम है। जब मैं सो जाता हूँ अगर, तब मुझे पता नहीं चलता सर, मतलब या ड्रीम में ऐसा सेल्फ और कहाँ जाता और आता है या ऐसा मेरा। नहीं, सेल्फ को आप अपने बारे में कह लीजिए, आप जब सोते हैं तो आप शरीर के साथ होते हैं या गायब हो जाते हैं, क्या होता है? शरीर के साथ सोते हैं। बस बढ़िया, तो हम शरीर के साथ सोते हैं, है ना? तो शरीर बना रहता है, मैं भी बना रहता हूँ, शरीर सो गया, शरीर को सुला दिया हमने, उसी सोते समय शरीर को किसी मच्छर ने काट लिया, उठ गए, गर्मी लगी, पावर चला गया, उठ गए। उस दिन बोले थे भैया ये बात बोले थे, मगर मुझे ऐसा लगा कि हम 6-7 घंटे हम सोते हैं, अगर कभी न कभी ऐसा जाके आता है क्या, दूसरे शरीर में ऐसा जाके आता है क्या, मतलब ऐसा ये था कि निरंतर हमारा उम्र भर रहेगा या और कहीं भी पड़ा है कि ये कुछ इसको सेल्फ को दुख नहीं होता, सुख नहीं होता, ऐसा जो गीता में एक नए नाम छंद क्षतराणी ऐसा कुछ होता। अब हमको लग रहा है कि ये भागीदारी में ऐसा लग रहा है कि वो सेल्फ को भी दुख होता है, सेल्फ को भी ये होता है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज। आपने वर्कशॉप किया है? आपने इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप किया है? इंट्रोडक्टरी भी किया है और लास्ट ईयर मार्च से मैं इसमें हूँ, UHU 2 ऑफलाइन किया आरवी कॉलेज में बेंगलोर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप एक बार थोड़ा सा कंटेंट को देख ले, है ना? तो अभी जैसे कई बार हम अपनी ओर ध्यान देते समय बहुत सारे और चीजों पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो जैसे हमने सुना है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, है ना? अब इसका क्या अर्थ है, किसके लिए कहा जा रहा है? सकता सुखा नहीं सकता आत्म सेल्फ को, तो ये एक इंडिकेट किया गया कि आप अपनी ओर ध्यान दें, हम अपनी ओर ध्यान दें, है ना? तो उसका आशय इतना ही है, चैतन्य हूँ तो मेरे ऊपर जड़ क्रियाओं का इस तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना? कि किसी जड़ क्रिया से मेरे टुकड़े हो जाए, किसी जड़ क्रिया से मैं, है ना, हमारे में कोई वृद्धि हो जाए, कोई ग्रोथ हो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं हूँ और बना रहता हूँ, किसी को तो ऑब्जर्व करना है। बाद में सर एट द एंड कहाँ जाता सा सेल्फ है, यूनिवर्स स्पेस में मर्ज हो जाएगा सब मर्ज? अभी देखिए, अभी आप अपने होने के बारे में इस क्षण अगर ठीक से सजग हो जाते हैं तो आगे पीछे का पता लग जाएगा, नहीं तो फिर वो कहानी चलेगी, है ना? वो कथा कहानी चलेगी। हमने जैसे किसी शास्त्र में कुछ पढ़ लिया, एक ऑब्जर्वेशन में नहीं आया, तो फिर वो कथा कहानी की तरह लगेगा कि किसी ने बता दिया कि शरीर छोड़ने के बाद ये होगा, शरीर जुड़ने के पहले ये था, अब सब कथा कहानी हमारे लिए, सब सूचनाएं हैं, ठीक? और हमारे जीने में कोई क्वालिटेटिव शिफ्ट नहीं आएगा, हम इसी को ऑब्जर्व कर लेंगे डायरेक्टली, जैसा है वैसा ऑब्जर्व कर लेंगे, तो फिर हमारे जीने में क्वालिटेटिव शिफ्ट आ सकता है। हाँ भैया, एट द एंड मालूम, हाँ भैया सही है, एट द एंड भैया मालूम हो जाएगा हमको ये सेल्फ हमारे बॉडी से जा रहा है। देखिए, देयर इज नो एंड टू सेल्फ, तो एट द एंड क्या, शरीर यात्रा का भी बात करें उसके बहुत पहले हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है, अभी क्या हमारी प्रायोरिटी में चीज नहीं है। जैसे अगर हम अपनी दिनचर्या को देखें, अभी हम सुबह 17 अटेंड कर रहे हैं, फिर हमारे कुछ कमिटमेंट्स होंगे, तैयार होना है, कॉलेज जाना है ना, फिर पढ़ाना है, फिर उससे कुछ काम है, फिर लौट के आना है, फिर हमारे घर पे कुछ काम है, अब इतने सारे कमिटमेंट्स बने हुए हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है सेल्फ और बॉडी को देखने का, तो नहीं दिखता, पूरी उम्र निकल जाती है, नहीं दिखता। हम एक बार इसको प्रायोरिटी में ले आए तो दिख जाएगा। आप ही को अपने आप को देखना है, आप अपने साथ हर क्षण बने हुए, फिर समस्या क्या है? समस्या सिर्फ ये है कि अभी हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगता, इसलिए हम उसको लेकर चलते रहते, अपने आप में नहीं देख पाते। एक बार वो प्रायोरिटी में आ जाएगा, देख लेंगे कि नहीं। हाँ हाँ भैया, नहीं, एट द एंड लास्ट ब्रेथ, लास्ट क्षण, लास्ट सेकंड, हमको महसूस होता है कि ये अब शरीर जा रहा है। ये भी तो सुनी सुनाई बात है। ओहो, अब क्या पता क्या जा रहा है, शरीर जा रहा है तो क्या हो रहा है, क्या पता।
तो सुनिश्चित नहीं मरने, मरने के बाद भी मालूम नहीं होता है। एट द लास्ट जाते वक्त तो हमको पता चलेगा क्या ये शरीर से सेल्फ जा रहा है। क्या पता, अगर आप अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं तो क्या निकल के चला गया शरीर से, क्या पता। सब कुछ खत्म ही हो गया। अभी सब बोरोड इंफॉर्मेशन है, एवरीथिंग है ना, इस तरह की चीजों को हमने सुना है, ठीक, ऑब्जर्वेशन में नहीं है, हमारे नोइंग का पार्ट नहीं है, सब सिर्फ बोरोड इंफॉर्मेशन। कुछ सुन लिया, कुछ विश्लेषण कर लिया है ना, उसके आधार पर कुछ हमने फैला कर सोच लिया, कुछ चित्रण कर लिया, सुनी सुनी बातें रह जाती हैं। तो ज्ञान को देखे तो पूरा नहीं हुआ है, सुनिश्चित नहीं हुआ है। हाँ भैया, हाँ सही है, सही। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत क्लैरिटी से बोले भैया, भैया थैंक यू जी। भैया कल बात हो रही थी, आपने कहा था कि हम ये देखते हैं कि शरीर को हम कैसे पहचानते हैं और सेल्फ को कैसे पहचानने वाला, आपने कल बोला था करने को, तो मैंने किया और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा ये। तो अब मेरे पे क्या है कि जब मैं, मेरे को ये पता चलता है, ये तो है कि मैं हूँ, इसमें मेरे को कोई शंका नहीं है, मैं तो हूँ ही। और ये मुझे ऐसे पता चलता है कि जब मैं कोई सोच विचार करता हूँ तो मेरे को लगता है और अस्वस्थ होता है कि हाँ मैं हूँ, अस्वस्थ मतलब मैं हूँ। लेकिन जो बॉडी वाला पार्ट है उसमें तो क्या हो रहा है कि अगर मैं उसको संवेदना से जोड़ के देखने की कोशिश करता हूँ तो संवेदना तो भैया सेल्फ में ही होती है। मतलब मान लीजिए मेरे को कोई चीज चोट लग गई तो वो कुछ न्यूरल और नर्वस सिस्टम से होके कुछ फिजिकल केमिकल कुछ चेंजेस हुए, अल्टीमेटली वो ब्रेन से और सेल्फ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब जो भी सिग्नल आए वो उतना ही है। तो हम संवेदना को बॉडी में क्यों कर रहे हैं, संवेदना तो वो सेल्फ में ही आ रही है ना हमारे पास, ये एक प्रश्न बन रहा था। संवेदना तक पहुंच रही है, आस्वादन मय में हो रहा है, संवेदना मय में थोड़ी हो रहा है, आस्वादन मय में हो रहा है। तो शरीर में कहीं सूचना आपको मिली, ठीक, वो पेन आप में थोड़ी है, उसकी सूचना आप में है। हाँ बिल्कुल, दोनों को अलग करके देखना होगा। तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि संवेदना जो है शरीर में है, वो तो मेरे सेल्फ में जो पहुंच रहा है वही संवेदना है ना। और शरीर में क्या है, शरीर में जो है वो कुछ कोई मतलब कोई फिजिकल केमिकल कोई चीज हो रही है, खुजली हो रही है, कुछ चीज कह रहे हैं। अच्छा, वो जो फिजियोकेमिकल हो रहा है शरीर में उसी को संवेदना कह रहे हैं। अच्छा, तो यानी अपने तक जो आ रहा है वो तो कुछ सिग्नल आ रहे हैं, कुछ इनपुट्स आ रहे हैं, बस उतना तक वो तो समझ में आ रहा है। ठीक है भैया, मुझे लग रहा है मैंने संवेदना की मतलब मैंने गलत समझ रखा है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं संवेदना को पढ़ता हूँ मैं, तो संवेदना शरीर में है उसको मैं पढ़ता हूँ, सूचना आ रही है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया। एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जब मैं सेल्फ के रूप में सेल्फ को देखता हूँ और मैं जब ऑब्जर्वेशन करता हूँ तो मैं अपने शरीर की क्रियाओं को संवेदनाओं को पढ़ पाता हूँ, लेकिन भैया अधिकतम समय ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि मैं कल्पनाशीलता में भी जब देखता हूँ तो मेरा पास्ट में जो इन्फॉर्मेशन मैंने परंपरा से मिला है या जीवन विद्या से भी मुझे जो भी मिला है पिछले 1.5 साल में, वही मेरी कल्पनाशीलता में मॉडिफाई होके मुझे दिखता है, और जब मैं पास्ट में देखता हूँ तो पास्ट में मुझे मेरी जो परंपरा में वही दिखता है। तो मैं स्थिर नहीं हो पाता हूँ, मैं या तो पास्ट में घूम रहा होता हूँ या फ्यूचर में चला जाता हूँ और कल्पनाशीलता में चला जाता हूँ, तो संवेदनाएं कहीं छूट जाती हैं और फिर मैं जो मैं के रूप में मैं को देखना होता है उधर पहुंच ही नहीं पाता हूँ। तो इस स्थिति से कैसे अपने आप को ठीक किया जाए भैया? वही ऑब्जर्वेशन को केंद्र में लाया जाए तो बाहर से हमें सूचना मिली, हमने कोई वर्कशॉप किया सूचना मिली, कोई पुस्तक पढ़ा सूचना मिली, किसी से बात किया सूचना मिली है ना। अब इसको देखें हम, जो सूचनाएं मिल रही हो सकता है विरोधाभासी हो, एक शास्त्र कुछ कह रहा है दूसरा शास्त्र कुछ और कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ कह रहा है दूसरा व्यक्ति कुछ और कह रहा है, तो हमारे पास सूचनाएं तो ढेर सारी आ जाती है, ठीक है ना। और उससे हम विश्लेषण कर रहे होते हैं, विश्लेषण भी आवश्यक है, कम से कम अगर हमको विश्लेषण के स्तर पे पता लग गया है ये सूचना ठीक नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कुछ अंतर विरोध है जी भैया, ठीक है, तो हम उससे बाहर आए, बट उसको ऑब्जर्वेशन में तो लेना पड़ेगा, देखने का जो काम है वो करना होगा शुद्ध दृष्टा के रूप में। ये दृष्टा भाव अपने अंदर विकसित करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। तो भैया जो पास्ट में इंफॉर्मेशन मिली है उससे उससे छुटकारा मतलब
ध्यान को किधर केंद्र किया जाए, क्योंकि जब भी मैं ध्यान को केंद्र करने की बात करता हूँ तो मेरे पास जो पूरा इंफॉर्मेशन का ढेर है वही सब कुछ उसमें आने लगता है और मैं उसी पे फिर फंस जाता हूँ। देखिए ध्यान देंगे वास्तविकता पे तो है ना, जो भी सूचनाएं हैं उसको हम प्रस्ताव के रूप में रख ले, ठीक है सूचना मिली है उसको हम जांचेंगे, उससे मुक्त होने की या बाहर आने की अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जब मुझे वास्तविकता दिख जाएगी तो जो भी उससे अन्यथा हमने माना हुआ था अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। जी भैया जी नहीं जी धन्यवाद। तो इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, गृह कार्य के रूप में ये है कि क्या मैं देख पा रहा हूँ कि मैं हूँ, क्या मैं देख पा रहा हूँ कि शरीर भी है, मैं इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचा, आंखों से देखकर या किसी और तरीके से। फिर ये भी कहें है ना कर लें कि क्या मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं भी हूँ और शरीर भी है, क्या मैं ये आंखें बंद करके देख सकता हूँ क्या। तो दिन भर देखना है ना, क्या मैं देख पा रहा हूँ कि मैं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। इसको कल भी हम लोगों ने इसको किया था, आज भी इसको करें हम, इसको हम देखना शुरू करें अपने आप में। तो कल जितनी चर्चा हुई उससे थोड़ी स्पष्टता बनी विचार में तो बनी, आज थोड़ी और स्पष्टता बनी। जितने भी इस तरह के प्रश्न हैं उन सबको हम अपने आप में पूछ लें, जो अभी तक हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया उससे जितना उत्तर मिल जा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और उसको हम ले आए। बट इसको किसी पॉइंट पर जाकर है ना ऑब्जर्व तो करने की जरूरत है कि नहीं, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करें। सर ये जो हमने अभ्यास करा सेल्फ के साथ, सेल्फ तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है और हेल्दी भी हो रहा है, और जो समझ आपने बनवाई है हमारे लिए उसके लिए बहुत थैंक्स। और एक क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि इतनी सारी चर्चा के बाद प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि अगर सेल्फ हेल्दी है स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली वो बॉडी के साथ काफी टाइम स्पेंड कर सकता है और हैप्पीली कर सकता है और उसमें हार्मनी भी है, एग्जिस्ट भी कर रहा है और ये उसको लंबे टाइम तक लेके जा सकता है। सेल्फ में इतनी पावर है, क्या ऐसा है? ऐसा ही है सर, ये मेरे को थोड़ा सा अगर समझ आ जाए तो। क्या हम लोग उस बॉडी के साथ काफी ज्यादा टाइम बिता सकते हैं सेल्फ अगर स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कर लें तो उसमें जी, एक फैक्टर भी लगता है आएगा कि हम लोग उम्र भी अपनी बढ़ा सकते हैं, ये क्या सही है? जी भैया स्ट्रॉन्ग हेल्दी के बजाय आप कहें समझदार है, जिम्मेदार है, है ना, क्योंकि हेल्थ का जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं शरीर के लिए कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कहने से बहुत निश्चित नहीं होता कि समझदार है कि नहीं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अपना अधिमूल्यन कर लें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग माने, तो स्ट्रॉन्ग के बजाय हम कह सकते हैं कि अधि मैं समझदार और जिम्मेदार। अधिमूल्य, हाँ सर, ये यही था कि हम अधिमूल्य में जा रहे हैं। जी जी, तो यदि मैं समझदार हूँ जिम्मेदार हूँ तो मैं शरीर के साथ संयम पूर्वक जीता हूँ, तो इसमें संभावना तो है कि शरीर को ज्यादा लंबे समय तक हम बना के रख सकते हैं, स्वस्थ बना के भी रख सकते हैं, आयु लंबी हो सकती है, पूरी संभावना है। बट उसके साथ हम देखेंगे कि शरीर को चलाने का प्रयोजन क्या है। जैसे शरीर को ज्यादा दिन तक जीवित बनाए रखने का एक प्रयोजन ये भी हो सकता है क्योंकि शरीर के जाने का भय है। तो कई लोग हमको मिलेंगे समाज में जो शरीर के साथ बहुत लंबा जी रहे हैं, है ना, परंतु साथ में भय लगा हुआ है कि शरीर गया तो मैं गया, शरीर छोड़ना नहीं चाहते। जी, तो हम शरीर यात्रा तो अपनी लंबी कर सकते हैं बट शरीर यात्रा के लंबे होने में अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि इस बात में है कि मैं शरीर के सदुपयोग को सुनिश्चित कर पाऊँ। शरीर का सदुपयोग क्या है, क्या तो हम चाहे जितना भी उम्र जिए जितने दिन भी शरीर को बना के रखेंगे प्रयोजन पूर्वक बना के रखेंगे। जी जी, और हाँ ये संभावना है हम संयम भाव से जिएंगे तो ज्यादा लंबा जिएंगे, स्वस्थ रहेगा शरीर, ज्यादा साधन के रूप में काम करेगा। हम अभी भी देखिए तो जैसे जैसे हम सबकी समझ में गति बनती जा रही है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। अभी आप देखिए आदमी 4 घंटे काम करता है और अंदर से थक जाता है, दुखी परेशान होता है, 6 घंटे उसका फिर दुख ढोता है ना, और कहते हैं कि 10 घंटा काम किया। अभी हम लोग जब अपने आप में सही भाव सुनिश्चित कर लेते हैं तो 24 घंटे में कम से कम 14 घंटे ठीक से काम कर लेते हैं। जी जी जी, हाँ जी बिल्कुल सही सर, और सुख पूर्वक दूसरों को सुखी करते हुए। तो एक बात ये हो गई कि शरीर को ज्यादा स्वस्थ रख पाएंगे, है ना, संयम भाव के साथ। दूसरी बात कि शरीर को ज्यादा लंबे समय तक बना के भी रख पाएंगे,
अगर उसका प्रयोजन स्पष्ट है। तीसरी बात, जितने दिन तक बना हुआ सदुपयोग भी कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर ढंग से करेंगे, हमारी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। जहां अभी हम दो लोगों के साथ संबंध का निर्वाह नहीं कर पा रहे, हम पूरे समाज के साथ संबंध का ठीक निर्वाह कर पाते हैं, ठीक है ना। जहां हम कितना भी सुविधा संग्रह करके समृद्धि को सुनिश्चित नहीं कर पाते, तो हमको अपनी आवश्यकता भी स्पष्ट होती है, ज्यादा उत्पादन कर पाते हैं और उसका सदुपयोग भी ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, श्रम कर पाते हैं, हमारी श्रम की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, भागीदारी हमारी बढ़ जाती है, ये सब तो है। पर अगर देखें तो अभी जब से आप भी जुड़ी हैं, आपने देखा होगा कि इन सब चीजों में गति बनती जा रही है। जी सर जी, स्लो स्टडी विंस द रेस, वो सही है। पर सर मेरे को यहाँ जो एक पॉइंट आपने जो समझाया वो है कि हम उसका सही यूटिलाइज करें, वही हमारी सेल्फ की एक मेन पार्टिसिपेशन है। सर शब्दों में तो हम समझ लेते हैं, पर जब तक हम उसको व्यवहार में नहीं लाते ना, तो वो एक कॉन्ट्राडिक्शन रहती है। हम लोगों को ये जरूर करना चाहिए, चाहे हम फैमिली में हो, जो आपने समझाया सर कि चाहे हम फैमिली में हो, चाहे अदर फैमिली के साथ अटैच हो, या फिर सोसाइटी में, या फिर हम नेचर के साथ एग्जिस्ट करें, अगर हम अपने साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें इन सारे लेवल के साथ भी को एग्जिस्टेंस रखनी है और यूटिलाइजेशन करना है उसका, जो आपने हमें सेल्फ को समझ दी है। बढ़िया दीदी जी, जी थैंक यू सर। अच्छा भैया, मेरा एक सवाल था कि इंसान मर गया बोला जाता है, उसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हाँ, एक इंसान जो होता है वो बॉडी एंड सेल्फ से बना रहता है, तो इंसान मर गया मतलब होता क्या है, थोड़ा सा बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए मैं कुछ भी कह दूं, हम लोग का तो जो आपने जो माइथोलॉजी था, माइथोलॉजी का वे में हमने कोई भैया ने पूछा तो आप वो तो लिखावट है बोलते हैं, और जो वो, और तो मेरा तो पूरा कंफ्यूजन है कि है क्या ये तब। जी तो यही स्टेप वन पे जो हम काम कर रहे थे कि है क्या, उसी को तो देखने का प्रयास कर रहे थे। तो जो माइथोलॉजी से मिली वो भी एक सूचना है, जो मैं कह दूंगा वो भी एक सूचना है, कोई अन्य व्यक्ति कहेंगे वो भी एक सूचना है। तो हम इसको देखो कि आप हैं कि नहीं, आप इसको देखिए, शरीर है कि नहीं इसको देखिए, कैसे पता कि शरीर है, कैसे पता कि आप है, कैसे पता कि दोनों व्यक्ति अलग अलग है। ये तो हमने यूज भी करके हमें मालूम चला कि इंसान जो है दो चीज से बना है, एक बॉडी दूसरा सेल्फ। यही रुक जाते हैं, मालूम चला मतलब सूचना मिली, सूचना मिली हाँ। समझा कि नहीं समझा ये देखना है। ठीक है, समझ में आ गया। देन कहाँ समझ में आया, अभी तो खाली मालूम चला है। नहीं समझ में भी आ गया भैया कि हम देख सक रहे हैं कि समझ में आ गया, तो फिर तो जो प्रश्न आप कर रहे उसका उत्तर सीधे मिलता है कि मुझे समझ में आ गया कि मैं एक चेतन इकाई हूँ, मैं निरंतर बने रहने वाली इकाई हूँ, शरीर एक जड़ इकाई है, सामयिक है, क्षणिक है। भैया और एक सवाल, ये जो आप बोले चेतन इकाई क्या है? रुकिए अभी, तो फिर क्या समझ में आया? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं चेतन इकाई क्या है तो नहीं समझ में आया। नहीं मैं इतना जान रहा हूँ कि मेरा बॉडी, मैं जो हूँ एक बॉडी है, मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है और उसमें कोई रहता है जो कि सेल्फ है, बस ये इतना तक मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद जो तीसरा व्यक्ति आ जा रहा है यहाँ पे चैतन्य, इसको बोला जा रहा है, वही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी समझ में नहीं आया है, उसको हम ना कहें कि समझ में आ गया, अभी हमको सूचना मिली है, तो सूचना हमारे विचार में कहीं बैठा है, बट कंफ्यूजन बहुत सारा बना हुआ है। समझ में नहीं आया है, सूचनाएं मिली है भाई। और सूचनाओं को भी आपस में बैठाना मुश्किल पड़ रहा है, मैं क्या हूँ, सेल्फ क्या है, चैतन्य क्या है, है ना, और भी आगे बढ़ाएं पूरी लंबी लिस्ट बनेगी, आत्मा क्या है, चित्त क्या है, है ना, एक लंबी लिस्ट बनेगी। उसको हमने देखा नहीं है, इसलिए हमारे अंदर वो अभी कंफ्यूजन बना हुआ है, उसको देख ले कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसीलिए स्टेप वन पे कह रहे हैं इसको हड़बड़ी ना करें, इसमें साल भर लग जाए, 10 साल लग जाए, बट इसको स्वयं में ही देखना होगा, अदरवाइज कथा कहानी ही चलेगी। शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है, शरीर लेने के पहले क्या होता है, अभी शरीर के साथ क्या हो रहा है वो हम नहीं देख पा रहे, तो आगे पीछे कैसे पता चलेगा, खाली अनुमान होगा उसके बारे में। ठीक है, तो हमको इसको गंभीरता से देखना है, है ना भैया। कोई हेलो
जी हम इसको देख सकते हैं या फील कर सकते हैं? फील करना क्या हुआ? अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करना क्या हुआ? अभी देखिए बहुत सारे हम शब्द ले आते हैं ना, अल्टीमेटली फिर वो विचार में कहीं चला जाता है। हम इसको देखें तो उसी के लिए कहा कि मैं में होने वाली क्रियाओं को देखें, शरीर में होने वाली क्रियाओं को देखें, और दोनों एक ही है कि अलग अलग है उसको भी देखें। और आंख से तो दिखेगा नहीं, जो अभी पिछले स्लाइड पे लिखा था, ये तो स्वयं में ही देखना होगा जी। उसको ऑब्जर्व करें, बढ़िया। तो अभ्यास दो के स्टेप दो पे ये बात कर रहे हैं कि मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखना है। तो स्टेप वन को हम लोग पूरा करते चले, है ना, उसको छोड़ के नहीं चलना है। तो मैं में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, इन दोनों को हमने स्टेप वन में ऑब्जर्व किया। अब मेरे शरीर के बीच क्या हो रहा है, अब इसको स्टेप टू में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैं और शरीर के बीच क्या आदान प्रदान हो रहा है, तो मैं शरीर को संकेत देता हूँ। जिन संकेतों को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ उनको शरीर को देता हूँ। शरीर से जो भी काम लेना चाहता हूँ उसे वैसा संकेत देता हूँ, उठो, चलो, बैठो, जो एक सूचना है। ये संकेत मैं दे रहा हूँ, एक सूचना है। मेरे पाँव में इचिंग हुआ, मैंने खुजलाया, शरीर को संकेत दिया, ठीक, एक संकेत के रूप में, एक सूचना के रूप में हो गया और वैसी हरकत हुई। कोई मिले, हमने नमस्ते किया, हाथ जोड़ा, शरीर को एक सूचना दी, संकेत के रूप में गया और हाथ उठे और हाथ जुड़े आपस में। तो जो भी मैं शरीर को दे रहा हूँ संकेत है और एक सूचना है। वैसे शरीर में जो घटित हो रही है घटना के रूप में, उस आधार पर शरीर में संवेदना हो रही है। जिन संवेदनाओं को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ उनको पढ़ता हूँ, उनका मैं आस्वादन करता हूँ, और ये भी एक सूचना है। तो एक सूचना आ रही है, सूचना जा रही है, संकेत के रूप में जा रही है, संवेदना के रूप में आ रही है, और मैं इसको पढ़ता हूँ। मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, कोई भौतिक रासायनिक वस्तु का नहीं। ये अपने आप में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है वो सिर्फ सूचना का ही हो रहा है, कोई भौतिक रासायनिक नहीं है। अब इसको भी मैं और शरीर में होने वाली क्रियाओं को जब आप ठीक से अलग अलग देखने का प्रयास करेंगे तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है उसका भी ठीक से पता चलेगा। नहीं, इसको हम ऑब्जर्व करें। देखिए मुख्य मुद्दा ऑब्जर्वेशन का है। हमारे ऑब्जर्वेशन में जितनी शार्पनेस आ जाए, जितना डेप्थ आ जाए, विड्थ आ जाए, वो हमारे काम का है। सूचनाएं तो हम बहुत सारी फैला सकते हैं, बहुत जगहों से लेकर, है ना। एक एक दर्शन के अपनी वोकैबुलरी है, शास्त्र हैं, ढेर सारी सूचनाएं हैं, उसको आपस में बैठाना भी एक काम है कि नहीं। बट यदि हम ऑब्जर्वेशन में ना लाएं चीजों को तो फिर हमारे लिए सूचना ही रह जाती है। हम बहुत लंबा समय लगाकर भी उन चीजों को अपने अंदर विश्लेषित करते रहते हैं, ठीक, उसको चित्रित करने का भी प्रयास करते हैं, बट ऑब्जर्वेशन ड्यू रह जाता है। इसलिए जो भय होना है मैं और शरीर को एक मानकर वो बना रहता है, जो उसके आधार पर कन्फ्यूजन होना है वो बना रहता है, जो आचरण होना है उसमें अनिश्चितता बनी रहती है, जो जीना है उसमें संघर्ष बना रहता है, क्योंकि मैं और शरीर का अंतर ही स्पष्ट नहीं है। इसलिए एक कोर इशू है ये कि नहीं। तो हम लोगों ने अभ्यास एक में स्वयं को देखने में शार्पनेस को बढ़ाया ताकि ये जो आगे की चीजें और देखना आसान हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इन सबके देखने के आधार पर जो उपलब्धि होनी है वो तो मैं में है, भाव में है, समझ में है। तो पहले वहां से देखा, फिर अब अभ्यास दो में जा रहे हैं ताकि ये इसका सदुपयोग ठीक से हो पाए। बट ये करने का काम तो है ही, है ना, इस पे तो गंभीरता से अपने को ध्यान देने की जरूरत है। और ध्यान देने का मतलब ही क्या हुआ, प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। अभी हम दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारी प्रायोरिटी में नहीं आता। कभी खाली भी होते हैं तो बहुत सारा बैकलॉग रहता है, ये काम छूट गया, वो काम छूट गया, वहां ये काम रहना है, करना है, है ना, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारा विचार चलता रहता है। इसको किसी रूप में प्रायोरिटी पे तो लाने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि थोड़ा समय लगाते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा शार्पन करते हैं तो पता लगा जिंदगी बच गई,
है ना, नहीं तो इसी कंफ्यूजन में पूरी जिंदगी निकल जाती। कंफ्यूजन कुछ ऐसे हैं जो पूरी उम्र बने रह जाते हैं, जैसे मानव क्या है ये बना रह गया कंफ्यूजन, पूरी जिंदगी हमने जी ली, बाहर बहुत सारा कुछ अचीव कर लिया, धन पा लिया, पद पा लिया, है ना, यश पा लिया, बट ये कंफ्यूजन कैरी करते रहे अपने आप में। तो बेसिक लेवल पे देखें तो ज्ञान में कोई गति नहीं बनी, बहुत सारा काम हमने बाहर कर लिया, ज्ञान में कोई गति नहीं बनी, ज्ञान में गति नहीं बनी तो अपने सुख में कोई निश्चितता नहीं हुई, निरंतरता नहीं हुई। तो हम बहुत सारा बाहर अचीव करके भी अपने आप में अनिश्चित रहे, दुखी रहे, परेशान रहे, और उसी के साथ शरीर यात्रा पूरी हो गई। इस चीज को हम ठीक से ऑब्जर्व करें तो वहां गति बन सकती है। अब आपको दिखाई देगा कि बाहर करने वाला काम थोड़ा है, इनफैक्ट बहुत सारा काम हम अनावश्यक हो सकता है कर रहे हैं बाहर, क्योंकि ये कंफ्यूजन भीतर बना हुआ है। ये कंफ्यूजन दूर हो जाए तो बाहर करने वाला काम भी संतुलित हो जाए, नियंत्रित हो जाए, निश्चित हो जाए, तृप्तिदायक हो जाए, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। तो ऐसा है, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई आंख पे पट्टी बांध के हम खूब दौड़ रहे हैं, बट उसी छोटे से दायरे में दौड़ रहे हैं, खूब गति बना रहे हैं अपनी, खूब मेहनत लगा रहे हैं, खूब पसीना निकाल रहे हैं, बट पहुंच नहीं पा रहे हैं कहीं। क्यों? क्योंकि देखना शुरू ही नहीं हुआ, देख नहीं पा रहे हैं, आंख पे पट्टी बंधी हुई। पट्टी को हटा दें, जितना भी चले उपलब्धि है, सही दिशा में चलेंगे कि नहीं, इसको अपने आप को देखना है, मैं और शरीर के बीच अंतर को देखना है। इसके लिए जहां से भी जितनी भी प्रेरणा मिले सब उपयोगी है, बट ये अपने को दिखाई देगा कि ये मैं और शरीर के अंतर को समझे बगैर जो कुछ भी हम बाहर कर रहे हैं उसका एंड आउटकम जो मिलने वाला है उसमें निश्चितता नहीं है, निरंतरता नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन अंडरलाइंग है उसमें बना हुआ अंदर में। चाहे जितना भी हम सुविधा संग्रह कर लें, जितने भी लोगों के साथ हम संपर्क बना लें, ठीक, जितना भी हम सुविधा को लेकर, जड़ को लेकर रिसर्च कर लें, डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट कर लें, बट अल्टीमेटली हमारे अंदर वो शंका भय बना रहेगा, उसका दुख बना रहेगा। इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें कि मेरे और शरीर में जो आदान प्रदान हो रहा है सिर्फ एक सूचना है, स्टेप वन को पूरा करते हुए स्टेप टू को करना है ना। तो जैसे हम अभ्यास एक में भाव को देखने का अभ्यास करते रहे कि मैं और मेरा भाव है ना, और उसको हम बारीकी से ऑब्जर्व करते रहे, उसमें हम गति करने का प्रयास करते रहे, संक्रमण करने का प्रयास करते रहे, वैसे अभ्यास दो में मैं और मेरा शरीर, इसके प्रति सजगता को बना के रखने की जरूरत है। तो मैं को देख रहा हूँ तो भाव को देख रहा हूँ, और मैं से बाहर देख रहा हूँ तो शरीर को देख रहा हूँ, इसके प्रति सजगता बनी हुई है। तो मुझ में भाव और शरीर से आने वाली ये जो सूचना है, अब इन दोनों पे मैं काम कर रहा हूँ। तो शरीर पे ध्यान बना हुआ है, इसके जो सूचना आ रही है, क्योंकि मुझे जो शरीर से संवेदना आ रही है उसी शरीर को होने का पता चलता है, इन दोनों पे अब ध्यान बना हुआ है। एक तरफ भाव पे ध्यान बना हुआ है, दूसरी तरफ शरीर से आने वाली सूचना पे ध्यान बना हुआ है। अब थोड़ा हमने और उसमें विस्तार कर दिया है ना, ध्यान देने की योग्यता को बढ़ाने के क्रम में। तो वो जो हमारा पहले होमवर्क है वो जितना ठीक से पूरा होगा हम इसको और उतने अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इसको अपने आप को बना के रखना है, इसको करते रहना है, ये हमारे लिए अभ्यास है जो हमको कंटिन्यू करना है। चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है, एक बार देख लेते हैं। सद्विकार जैसे लोग क्रोध, ईर्ष्या, काम कर रहे करके मैं को खुश रख सकते हैं? भाई ये सब आवेश हैं। सद्विकार कह रहे हैं या सद्विचार कह रहे हैं, इसको देख लें राजेश जी। ये सब तो जिसको कहा गया ना विकारों के रूप में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सद्विकार, छह विकारों के रूप में कहा गया। तो अल्टीमेटली समाधान ये है कि हमारे अंदर ज्ञान सुनिश्चित हो जाए, स्वयं में सही समझ, सही भाव सुनिश्चित हो जाए। अच्छा, सड विकार, छह विकार कह रहे, ठीक। तो इसको कम करके देखिए, इसको कम करने का मुद्दा नहीं है, ठीक। इसको आपको फिर से पढ़ लेते हैं। तो जो सड विकार है इसको कम करने का मुद्दा नहीं है, बल्कि इनके स्थान पर सही भाव विकसित करने की जरूरत है। तो लोभ क्यों है? क्योंकि संबंध की स्पष्टता नहीं है, सुविधा की आवश्यकता की स्पष्टता नहीं है। क्रोध क्यों है? है ना,
समाधान नहीं है कि नहीं, ईर्ष्या क्यों है, स्नेह का भाव स्पष्ट नहीं है। तो मुद्दा ईर्ष्या दूर करना नहीं है, स्नेह के भाव को सुनिश्चित करना है। मुद्दा समृद्धि के भाव को सुनिश्चित करना है, लोभ नहीं है मुद्दा। इसलिए अभी हम उल्टी तरफ से नहीं चलते, ये सब प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है कि हमको विकारों को दूर करना है, ऐसा नहीं। सही को समझना है, ये बाकी सब अपने आप इनका निर्जरा हो जाएगा। जी संजना जी, मैं भी संबंध पूर्वक जीना चाहती हूँ पर लोगों से बात करने में हेजिटेशन होता है। जी संबंध की समझ ना हो, जी अगर संबंध की समझ ना हो तो ये तो कंफ्यूजन बना रहता है, हेजिटेशन बना रहता है। तो इतनी जो हम लोग बात कर रहे हैं भाव पे, है ना, तो भाव में हम देखें तो क्या कर रहे हैं, संबंध की समझ को सुनिश्चित करके अपने भाव में परिमार्जन करने के लिए काम कर रहे हैं। हेजिटेशन भी क्यों है, हमको कहीं ना कहीं लगता है कि दूसरा मुझे दुखी करना चाहता है क्या, या अगर मैं उसके साथ संबंध का निर्वाह करता हूँ तो दूसरा सर क्या अर्थ निकालेगा, वो मेरा राइट इवैल्यूएशन करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर कहीं ना कहीं हम दूसरे से मिलने वाले भाव पे निर्भर है अपने सुख के लिए, इसलिए हेजिटेशन है। अदरवाइज मुझे संबंध की स्पष्टता है, मैं हर क्षण संबंध के अर्थ में विचार करता हूँ, उसी का निर्वाह करता हूँ, आवश्यकता को पहचानता हूँ, उसका शरीर से निर्वाह करता हूँ, उसमें हेजिटेशन नहीं होगा। फिर तो संबंध की समझ ना हो, स्पष्टता ना हो, तब ऐसा होता रहेगा। ठीक है संजना जी, हमें अगर कुछ कार्य करना है तो हम शरीर से करते हैं, जैसे अगर हमें कुछ लिखना हो तो हम शरीर से करवाते हैं। जी वैशाली जी ठीक बात है, तो शरीर साधन के रूप में है। एक और प्रश्न है संजना जी का, एक कॉन्सेप्ट है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का, इंट्रोवर्ट लोगों से मिलने में थोड़ा संकोच करते हैं, बात नहीं कर पाते, तो क्या बस एक कॉन्सेप्ट है, मनुष्य तो संबंध पूर्वक जीना चाहता है तो वो लोगों से कम्युनिकेशन में डरता क्यों है, संबंध के समझ के अभाव में जो बात अभी हुई। रेणुका जी का प्रश्न है, प्राण आत्मा और सेल्फ उसमें क्या अंतर है। तो प्राण का मतलब है रेस्पिरेशन, श्वसन प्रश्वसन, जैसे पौधे में भी प्राण है ना, शरीर में प्राण है, प्राण मुझ में नहीं है शरीर में, जैसे पौधे में वैसे मेरे शरीर में है, मैं सेल्फ हूं। और आत्मा शब्द का प्रयोग तीन प्रकार से किया गया है, एक तो पूरे सेल्फ को ही डिनोट करने के लिए किया गया है, दूसरा सेल्फ में जो नोइंग का डायमेंशन है, जानने का आयाम है, उसके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो सेल्फ में रियलाइजेशन का पोटेंशियल है, क्रिया है, उसके लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। तीनों प्रकार से प्रयोग किया गया है। बढ़िया, तो आज हम लोग इस काम को करेंगे। इसमें अगर गृह कार्य के रूप में देखें तो स्वयं द्वारा शरीर को दिए जा रहे संकेतों को देखना है, क्या मैं संकेत हर क्षण दे रहा हूँ या कभी कभी दे रहा हूँ। शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखना है, क्या मैं संवेदनाओं को हर क्षण पढ़ रहा हूँ या, वैसे ही क्या मैं शरीर में होने वाली हर संवेदना को पढ़ रहा हूँ या उनमें से कुछ को पढ़ रहा हूँ, इन संवेदनाओं को पढ़ने का आधार क्या है, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है। दिन में किसी समय किसी कार्य को धीमी गति से करना है और देखना है मैं और शरीर में किस तरह से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, इसे दिन भर देखना है। ये एक हम लोग थोड़ा सा ऐड कर लेंगे कि जैसे हम अभी दिनचर्या में बहुत सारे काम करते हैं, है ना, उसको थोड़ा समय निकाल कर आधे घंटे 15 मिनट हम कुछ काम बहुत धीमी गति से करें और हर जगह देखें कि मैंने कैसे संकेत दिया और कैसे मैंने संवेदना को पढ़ा, पांव उठा तो कैसे उठा, हाथ उठा तो कैसे उठा, कोई चीज पकड़ी तो कैसे पकड़ी, है ना, रखी तो कैसे रखी, कहां मैं था, मेरा रोल क्या था और शरीर का रोल क्या था, कैसे मैंने संकेत दिया, कैसे मैंने संवेदना को पढ़ा, किन संवेदना को पढ़ा, किन को इग्नोर कर दिया। चाय बना रहे हैं चूल्हे पे, है ना, बर्तन चढ़ाया, दूध डाला, पानी डाला, ये सब कर रहे हैं, ठीक, बट हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई है और शरीर में दर्द है, और जब चाय बना रहे तो दर्द पे ध्यान नहीं है कि नहीं, चाय पत्ती पे ध्यान है, चाय पे ध्यान है, बर्तन पे ध्यान है, चूल्हे पे ध्यान है, तो बहुत सारी संवेदनाओं को नहीं पढ़ रहा हूं मैं जबकि हो रही है शरीर में, ठीक। जब चाय पीने बैठे तो फिर कराहने लगे, नींद पूरी नहीं हुई, बताओ कितना दर्द हो रहा है, सर भारी है, अब ये संवेदना को पढ़ रहा हूँ, पहले नहीं पढ़ रहा था मैं, इग्नोर कर रहा था उसको,
तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो जो तीसरी चीज है कि काम को धीरे धीरे करते हुए अपने आप को ऑब्जर्व करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, शरीर क्या कर रहा है, इन दोनों का रोल क्या है, इसको ऐड कर लेंगे आज असाइनमेंट में। मतलब अब स्टेप टू का जो थर्ड असाइनमेंट है उसको थोड़ा आज करें विधिवत, समय निकाल कर करें, 15 मिनट आधा घंटा उपयोगी रहेगा कि मैं और शरीर का अंतर और स्पष्ट होगा। बिल्कुल धीमे धीमे करना है और हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हुए करना है। बहुत ही बढ़िया, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।